लॉकडाउन के बीच कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूं और 1 किलो दाल उपलब्ध करवाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत घर के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 87% लाभार्थियों को मई माह का गेहूं वितरित किया जा चुका है। साथ ही अब जिला रसद विभाग की ओर से प्रत्येक राशन कार्ड धारक को जो इस योजना से जुड़ा हुआ है 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। ग्रामीण रसद अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि योजना से जुड़े लाभार्थियों को सरकार के निर्देशानुसार राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं इस योजना से वंचित गरीब और असहाय लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सूखे राशन किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 1,97,560 सूखे राशन किट और 18,61,955 भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण में 81% लोग जो NFSA से जुड़े हुए हैं उनको राशन के वितरण हमने चालू कर रखा है। मई माह में निःशुल्क 10 किलो प्रति यूनिट का निःशुल्क गेहूँ वितरण हमने चालू कर रखा है और 88% अभी तक वितरण हो गया है और 15 तारीख तक हम ये वितरण पूरा कर लेंगे। जहाँ तक सवाल ड्राई राशन का है, ऐसे लोग जो NFSA योजना से जुड़े हुए नहीं हैं, जो वंचित हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसा हैं, गाँव में किसी परिस्थितिवश कहीं फंस गए हैं, उन लोगों की हमने सेक्रेटरी और पटवारी के द्वारा रिपोर्ट ली है। SDM के थ्रू वो रिपोर्ट हमारे पास आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार हमने यहाँ से SDRF फंड से सामग्री खरीदकर ड्राई राशन किट भिजवाए हैं। अभी तक जयपुर ग्रामीण में 18,61,955 लोगों को कुक्ड फूड दे चुके हैं और 1,97,559 लोगों को ड्राई राशन के पैकेट अपने वितरण किए हैं। जहाँ तक सवाल दाल का है, दाल सभी दुकानों पर पहुँचा दी गई है और प्रति राशन कार्ड पे 1 किलो दाल दी जा रही है।